तो फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पे वी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप अगर आप पूरा देख लेते तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, और क्या आपको इससे लोन ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए। तो जो पे वी नाम की लोन एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर आ चुकी है, और अभी इसका ज़्यादा डाउनलोड्स भी नहीं है, और कुछ ही महीनों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स भी हो जाने वाला है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि ये एप्लीकेशन अभी अपना ऐड रन कर रही है। तो आपको क्या इस एप्लीकेशन से लोन ये लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरह की चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, और आप इस एप्लीकेशन से एकदम ही दूर रहें और बिल्कुल भी लोन ना लें। अगर आपने आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो जल्दी से जाके इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें, नहीं तो फिर आपका सारा डाटा हैक होने की पूरी यहाँ पर गारंटी दी जाएगी। ये एप्लीकेशन वाले आखिर कैसे रन करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये एप्लीकेशंस क्या करेंगे कि आपको ऐड दिखाएंगे, और जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल करते ही आपको साइनअप का दिया जाएगा, और साइनअप करने के बाद आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा। वहाँ पे कुछ परमिशन है उसको अलाउ करने के लिए कहा जाता है, और वो आप सारा परमिशन बिना पढ़े ही सबको अलाउ कर देते हैं, और जिससे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी, ये सब वगैरह हैक हो जाएगी। और फिर आपको अकाउंट में 2 से 3 हज़ार रुपये क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और फिर ठीक 5 दिन बाद आपसे रिपेमेंट के लिए कहा जाता है। आपको लगता है कि 2-3 हज़ार रुपये मिल गए इंस्टेंटली तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर आपको एक हफ्ते बाद क्या होगा कि आपसे दोगुना पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको 3 हज़ार दिया गया है तो कहा जाएगा कि 5 हज़ार रुपये आपको रिपेमेंट करना है, और अगर वो 5 हज़ार रुपये आप किसी भी कारण से रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर आपके साथ ब्लैकमेलिंग की जाएगी, और अगर रिपेमेंट कर भी देते हैं तो उस केस में भी आपके साथ ब्लैकमेलिंग ही की जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि 100% फ्रॉड और चाइनीज एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन से बिल्कुल ही बच के रहें और दूर रहें। और अगर आप इसमें फंस चुके हैं और गलती से आपने इसके साइनअप कर दिया और लोन ले लिया है, तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है, और सेकेंड स्टेप में इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा कि अगर वो लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर और जितना भी व्हाट्सअप है वो सब एक हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए। तो जैसे ही आप लोग ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको देखा देखने मिलेगा कि एक हफ्ते बाद वो लोग आपको तंग करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। और अगर आप लोग जितना ही उन लोगों का रिप्लाई कीजिएगा, जितना उन लोगों से आप मिलिएगा, उन लोगों को कॉल उठाइएगा, उतना ज़्यादा वो आपको कॉल करके और ज़्यादा हरासमेंट करेंगे और ब्लैकमेलिंग करेंगे। इससे नहीं होता तो आप लोग पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ जाती है और आप लोगों से पैसा लूटने का काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत जल्द।